वेलकम बैक दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। हमने अपने पिछले बिजनेस एनवायरनमेंट के लेक्चर के अंदर कवर किया था इंडस्ट्रियल सिकनेस, यानी कि जो इंडस्ट्रीज बीमार हो जाती हैं, यानी कि उनको जो प्रॉफिट नहीं हो रहा होता वो लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज बन जाती हैं, तो उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, किस तरह से उसको रिवाइव करने की कोशिश की जाती है, अगर लिक्विडेशन की जरूरत पड़े तो वो किस तरह, यानी वाइंडिंग अप किस तरह की जाएगी। तो आज हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो SSIs करके जो हमारी होती है, जिनके लिए आपने ऊपर देखा था लोकेशनल रिस्ट्रिक्शन वगैरह भी कम होती है, तो उन्हीं को हम आज फर्दर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट और चैनल पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को शुरू से और देखते हैं क्या क्या चीजें यहां पर हमको पढ़ाने की कोशिश की गई हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, हिस्टोरिकली विलेजेस इन इंडिया हैव बीन सेल्फ रिलायंट सो मच सो दैट दे आर एबल टू फुलफिल ऑल देयर रिक्वायरमेंट्स। इट इज प्रोबेबली देयर ऑन दैट इन द लास्ट 2500 ईयर्स मेनी डायनेस्टीज हैव रूलर्स Changed, but the economic and cultural environment of the villages remain the same till today. तो क्या क्या रहे हैं कि 2500 सालों से और उसके भी पहले से जो हमारे villages हैं, यानी कि जो हमारे भारतीय गांव हैं, जो उनका जो अपना काम करने का तरीका है, कल्चर है, वो सब डिस्टिंक्ट है, अलग है इससे शहरों से या बाकी की जो localities हैं, जो अर्बन localities जिनको माना जाता है उनसे। और इसीलिए बहुत सारे राजा महाराजा, इकोनॉमिक कंडीशंस बदली, लेकिन उनका कल्चर और उनका जो काम करने का तरीका है वो कभी नहीं बदला। वो सेल्फ रिलायंट रहे हैं, खेती करते हैं, उस खेती से जो कमाई होती है उसको दोबारा से उसी खेती के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं या अपने ही लिए अपनी इंडस्ट्रीज खुद सेटअप करते हैं। तो इस तरह के काम जो है गांव में आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट आप भी कभी गांव में जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि वहां पर अपनी छोटी छोटी जो है इंडस्ट्रीज वहां पर खुद सेटअप कर लेते हैं लोग, ताकि अपनी ही कन्वीनियंस को बढ़ाया जा सके। एवरी विलेज यूज्ड टू हैव इट्स ओन कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री व्हिच फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ द विलेजेस। Not only this, products from small scale industries were also exported all over the world, specifically to South Asia, Arab and Central Asia. तो ये चीजें बताई गई हैं कि South Asia कौन सा एशिया है जो थोड़ा ये अपना Middle East की तरफ अगर चले जाएं तो वहां कर की बात आती है, और अपना अरब कौन सा आ जाता है, अपना ये अरेबियन कंट्रीज वगैरह जो हो जाती है, और सेंट्रल एशिया जैसे अपना जर्मनी, रशिया वगैरह, अफगानिस्तान, तालिबान वगैरह, ये सब हो गए तो वो सेंट्रल एशिया का पार्ट बन जाते हैं। तो वही ये कह रहे हैं कि हर विलेज के पास एक इस तरह की कॉटेज इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है जहां पर वो अपना काम खुद से करते हैं, और इनफैक्ट वो ही तो अपना काम इतने अच्छे से करते हैं कि उनको बाहर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी ट्रेड किया जाता है। इंडियन आर्टिसंस हैड डेवलप्ड डिस्टिंक्ट कॉम्पिटेंसीज इन द फील्ड ऑफ आयरन, जिंक, टेक्सटाइल, ग्लास। तो आप देखते हैं जैसे बनारसी साड़ी है, टेक्सटाइल है, तो बनारस का एक अपना मार्केट है बनारसी साड़ियों का, लाखों में वो साड़ियां जो है बिकती हैं, वो जो उसके ऊपर क्राफ्ट किया जाता है बहुत हाथों से किया जाता है। सिमिलरली जो फर्नीचर है हमारे भारत का वो बहुत जो है पीक पर कंसिडर किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, और इसके अलावा जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो सब और आयरन, जिंक वगैरह इस तरह से लेके चीजें बहुत अच्छी मानी जाती हैं। अगर आप अपने इंडियन वेपनरी की तरफ जाएं तो पुराने जो हथियार हुआ करते थे, तलवार, शील्ड्स, बॉडी आर्मर, इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट कंसीडर किए जाते थे उस टाइम के अंदर, क्योंकि इंडिया पहले देखो सिर्फ इतना नहीं था जितना आज आपको दिखाई देता है। पाकिस्तान भी इंडिया में था, थोड़ा पार्ट अफगानिस्तान का भी इंडिया में कंसीडर किया जाता था, इधर से बांग्लादेश, उधर से अपना नेपाल, भूटान, ये सब जो है कनेक्टेड थे, तो इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसिव जो है सब कॉन्टिनेंट बनता था। तो उस वक्त की बात यहां पर कर रहे हैं, 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं। बट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड लेटर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश लेड टू द डिक्लाइन इन इंडियन विलेज इंडस्ट्री। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, दुनिया ने अपना जो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज कर दिया, ब्रिटिश जो ब्रिटिश एरिया था उसके अंदर ये सब चीजें की गई थी, तो टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीजें अब आनी स्टार्ट हो गई थी चीपर रेट्स के ऊपर। फिर ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए तो ब्रिटिशर्स ने ये चीजें थोड़ी डिक्लाइन पर करनी स्टार्ट करी। What had not taken place in 2000 years took place in mere 200 years. That is the ruins of Indian village economy. The British used India as the supplier of raw materials for British industry and as a market for Britain's final product. तो हुआ क्या? British देखिए colonization का purpose क्या था? Industrial revolution कहाँ? Industrial revolution आई अपने Britain में, जो उस टाइम पर ब्रिटेन हुआ करता था वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, और उनका कोलोनाइजेशन करने का पर्पस ये नहीं था कि वो इंडिया जैसे बैकवर्ड नेशन को डेवलप करवा सके, ना ना, दिस वाज जस्ट एन एक्सक्यूज। उनका असली पर्पस था इंडिया के अबंडेंट रिसोर्सेज को इंडिया से बेहतर यूज कर सके, किसके लिए? खुद के लिए। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहां आई? ब्रिटेन में आई। रॉ मटेरियल कहां से सप्लाई किया गया? इंडिया से सप्लाई किया, क्योंकि इंडिया जो है वो अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके अंदर बहुत ज्यादा अबंडेंट था, हमारे खुद के जो लोग थे वो उनको उतने टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्रियली अगर मैं बात करूं तो उस तरह यूज नहीं कर पा रहे थे। तो ब्रिटिश जो अपना रूलर्स थे उन्होंने क्या सोचा कि इंडिया के पास अच्छे खासे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, 200-300 साल वहां पर ऑपरेट करते हैं, वहां से सारा जो है नेचुरल रिसोर्सेज अपने ब्रिटेन की डेवलपमेंट में लगा लेंगे, हमारा काम चल जाएगा। और आज वही ब्रिटेन है जो इंडिया के पास वैक्सीनेशन के लिए और अपनी फंडिंग के लिए, मॉनिटरी फंडिंग के लिए हमसे हाथ जोड़कर
पैसे मांगता है कि प्लीज हमारी जो है थोड़ी फाइनेंशियल मदद कर दीजिए। आज ब्रिटेन का ये हाल है। तो ये चीजें देखो, उस टाइम पर उसने हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसका कितना गलत उपयोग किया था अपने फायदे के लिए। ऑल दिस किल्ड द इंडिजीनियस इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इंडिजीनियस इंडस्ट्री यानी कि जो इंडिया की खुद की इंडस्ट्री थी, विलेज इंडस्ट्री हो गई या कोई और, वो सारी धीरे धीरे खत्म होती गई। द लीडर्स ऑफ इंडियन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल रियलाइज द फ्यूटैलिटी ऑफ मेयर पॉलिटिकल फ्रीडम विदाउट इकोनॉमिक फ्रीडम। तो ये चीज तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं चाहिए, कि सिर्फ मेरे को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से छुटकारा नहीं, हमको इकोनॉमिक फ्रीडम भी चाहिए। हमारा जो नुकसान अब हो गया है, उस नुकसान के बाद जो हमारे पास अब नेशनल रिसोर्सेज बचे हैं उनको किस तरह प्रोडक्टिवली यूज किया जाए। हमारे को कभी किसी टाइम पर जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा जाता था क्योंकि हमारे पास गोल्ड बहुत ज्यादा था, बल्कि हमारा जो कल्चर था वो इतना रिच, इतना डाइवर्स था, हमारे रिसोर्सेज इतने अबंडेंट हुआ करते थे, इसलिए हमारा जो भारत का नाम था वो क्या रखा गया था, ये तो सोने की चिड़िया है। उस सेंस में यहां पर बोला गया है कि जो ब्रिटिशर्स आए थे सिर्फ उनको भगाना ही अब एक पर्पस नहीं रह गया था, वही फ्रीडम नहीं थी, बल्कि अब इकोनॉमिक फ्रीडम भी चाहिए थी कि हम किसी से और पैसा ले लेकर अपना काम ना करें, अब हमको खुद को सेल्फ रिलायंट बनाना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनाने की अब जरूरत पड़ेगी। दिस वॉज रिफ्लेक्टेड इन इंडिपेंडेंट इंडियाज पॉलिसी डिसीजन टू एनकरेज स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो उसके चलते ही हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया, ऐसी पॉलिसीज लाई गई जिससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का इंटरेस्ट बचाए जा सके, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को उनसे दूर रखा जाए ताकि वो उनके बिजनेस के अंदर इंटरफेयर ना कर सके। आते हैं डेफिनेशन के ऊपर कि स्मॉल स्केल और कॉटेज एंटरप्राइज के डेफिनेशन क्या होते हैं। Conventional definition of cottage and handicraft industries means that those that employ traditional labor intensive method to produce traditional products. कौन ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज करते हैं, लेबर मेथड्स का, यानी कि हाथों की जो आपकी ये हैंडीक्राफ्ट्स की बात हो रही है। अगर आप सूरजकुंड मेले में कभी गए हैं तो वहां पर आप देखेंगे तो हैंडीक्राफ्ट वहां पर आपको बहुत अच्छा अच्छा मिल जाए, यानी कि जो हाथ से बनाए हुए आपके जो आर्टिफिशियल ये कुछ इस तरह की चीजें जो है, डेकोरेटिव पीसेस हो गए, आपके स्टूल चेयर्स वगैरह, ये सारी चीजें वहां पर मिल जाती हैं, पेंटिंग्स वगैरह मिल जाती हैं जो हाथ से बनाई गई हैं। तो वो सूरजकुंड मेला जो है वो किस लिए बनाया गया था, इसीलिए बनाया गया था ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं, जो खुद लेबर करके, जो खुद की मेहनत से कोई चीज प्रोड्यूस कर रही है, उनको प्रमोट किया जा सके। अदरवाइज कौन पहचानता है कि ये जो ट्रेड फेयर है वो भी इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि लोग पूरे देश भर से आकर अपना सामान जो है वहां पर प्रमोट कर सके, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन करवाई जाती है। तो इस तरह की वो सारी चीजें कैसे बनती है, हाथ से बनाई जाती है, कॉटेज इंडस्ट्रीज में वो बनाई जाती है। दी हैंडलूम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड एप्ट एग्जाम्पल, बिल्कुल सही बात है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आप जाएंगे बनारसी साड़ी मिल जाएगी और कहीं आपको कोई और चीज मिल जाएगी, तो हर जगह का कुछ ना कुछ एक ऐसा पर्टिकुलर वो है, एरिया है जहां पर वो जो विलेज है या कुछ है वहां का लोकेलिटी है, वहां की लोकल वो स्पेशलाइज करती है। The Fiscal Commission in 1950 stated that a cottage industry is the one which is carried on wholly or primarily with the help of members of the family. तो मैंने बताया आपको कि घर में जितने लोग हैं बस वही आपस के अंदर मिलकर काम कर रहे हैं, वही जो है इन चीजों को ऑपरेट कर रहे हैं। इन 1950 द गवर्नमेंट डिफाइंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन टू वेज, दोज यूजिंग पावर बट एम्प्लॉइंग लेस देन 50% एंड दोज नॉट यूजिंग पावर बट एम्प्लॉइंग लेस देन 100%। तो इस तरह से दो क्लासिफिकेशन की गई कि जो पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं यानी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिनमें 50 से कम लोग जुड़े हैं, या वो जो लोग पावर का इस्तेमाल नहीं यानी मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, प्रॉपर हैंड हाथों से कलाकारी कर रहे हैं, वो जो है 100 से कम। तो इस तरह से दो डिवीजन हो गई, मशीन का इस्तेमाल करके 50 से कम लोग, मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो 100 से कम लोग। All small scale enterprises had capital investment of less than 5 lakhs, तो 5 लाख से कम की कैपिटल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो ये चीजें जो है इंक्रीज कर दी गई थी, 7.5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, इस तरह से धीरे धीरे करके बढ़ाते गए थे। तो ये चीजें आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके ज्यादा से ज्यादा इन जो सेक्टर्स हैं इसके अंदर कवर करने की कोशिश की गई थी। तो ये लिमिट बढ़ाने का क्या मतलब होता है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा जो वाइड स्कोप को वाइड किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा सेक्टर इसके अंदर स्मॉल स्केल के अंदर किया जा सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्मॉल स्केल स्कीम जो इंडस्ट्री है उनकी स्कीम्स का फायदा मिल सके। A new sector, tiny sector was also defined, micro sector इसको बोलते हैं आप, इसका 5 लाख था। ये सारी चीजें जो है 25 लाख कर दी गई हैं और इसको अभी कर दिया गया है 1 करोड़। स्मॉल स्केल और एंसिलरी, यानी एंसिलरी का क्या मतलब होता है, जो ऑक्सिलरी होती है, जो सबोर्डिनेट यानी सपोर्ट के लिए बनाई जाती हैं, वो इंडस्ट्रीज, वो उसका क्या कर दिया है 1 करोड़ रुपए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, असिस्ट इन दी ग्रोथ एंड वाइड स्प्रेड डिस्पर्सल ऑफ इंडस्ट्रीज, तो असिस्ट करते हैं, मदद करते हैं बड़ी इंडस्ट्रीज की छोटी इंडस्ट्रीज। इंक्रीज इनकम लेवल ऑफ आर्टिसंस, आर्टिसंस कौन होते हैं, जो आपके हाथ से काम करने वाले, जैसे जिनको क्या बोलते हैं, कारीगर, जिनको बोलते हैं कारीगर, कारीगर ही सही शब्द है आर्टिसंस के लिए।
क्रिएट न्यू एवेन्यूज फॉर एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही बात है, नए एवेन्यूज बनते हैं, इस तरह की चीजें की जा सकती है। रीजनल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है, इकोनॉमिक पावर टू द ग्रास रूट लेवल, यानी कि ऐसी मतलब देखो जब आप एक इकोनॉमी ट्रीट करोगे किसी छोटी से छोटी चीज को, तो उसके अंदर एक इकोनॉमिक पावर का जो है फील आप दे सकते हो, यानी कि बिल्कुल बेसिक लेवल से डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पर की जा सकती है। बैलेंस रीजनल ग्रोथ, अब गाँव के अंदर अगर इस तरह की इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेंगे तो वहां की रीजनल ग्रोथ भी हो सकती है। प्रिजर्व्स क्राफ्टमैनशिप एंड आर्ट हेरिटेज ऑफ द कंट्री, तो आप सूरजकुंड मेला इस तरह का देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हमारी इंडियन की जो रिच कल्चर है वो देखने को मिलती है आपको, कितने अच्छे अच्छे आप देखो जो ये हमारे पुराने पुराने मंदिर हैं आप देखेंगे जो तमिलनाडु में है, केरल में है, ये सब या और कहीं भी है। इनफैक्ट अगर मान लीजिए मैं बात करूँ ताजमहल की भी, तो वो भी किसने बनाया था, बनाया तो इंडियन लोकल्स नहीं था, कभी बहुत टाइम पहले बनाया था, दैट इज अ डिफरेंट केस, बट जो मंदिर बने आप देख रहे हैं उसके अंदर कितनी अच्छी तरह से कारीगरी की गई है, एक एक जो वहां पर आपको बनाए गए हैं, जो मूर्तियां बनाई गई हैं वो कितने मतलब एकदम से परफेक्शन के साथ बनाई गई हैं। और ये उस टाइम की बात है जब लोग अनपढ़ हुआ करते थे, वहां पर मैथमेटिक्स जैसी चीजें कम होती थी, ना तो कोई रूलर होता था, स्केल होते थे, ना बड़ी बड़ी क्रेन्स होती थी। अब सिमिलर आप देखेंगे जैसे इजिप्ट के पिरामिड है, वो मिस्ट्री आज तक भी बनी हुई है कि उनको किस तरह से बनाया गया होगा। सिमिलरली ताजमहल हो गया या आपके और जो भी इस तरह की चीजें हैं, कि जब जिस समय पर माना जाता है कि ना तो कोई टूल्स हुआ करते थे, ना कोई इस तरह का मैथमेटिक्स हुआ करता था कि आप एंगल्स एंड मेजरमेंट कर सके, तो भी आप इतने सटीक स्ट्रक्चर्स किस तरह बना पाए, तो वो चीजें देखो कितनी अच्छी देखने को लगती हैं। तो वही चीजें हमारे हमारे भारतीय इतिहास के अंदर ये चीजें तो बहुत ज्यादा रिच हैं। ताजमहल हो गया, मंदिर हो गए, कितने मंदिर हैं आपने कितने अच्छे अच्छे देखे होंगे। डेवलप एंटरप्रेन्योर स्किल्स एट ग्रास रूट लेवल, तो छोटे लेवल पर अगर इंडस्ट्री सेटअप को प्रमोट करवाया जाएगा तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है एक एंटरप्रेन्योरशिप की फीलिंग जनरेट की जा सकती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ पर चेक किया जा सकता है। रोल इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई आउटपुट कितनी है SSI की, आप देख रहे हो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की 2001-2002 में लगभग 7 लाख करोड़ की आउटपुट जो है सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से की गई थी, और अब वो बढ़कर कितनी हो गई है 70 लाख, ये देख रहे हो एक्सपोर्ट्स की अमाउंट है, अब तो और भी ज्यादा हो गई होगी, ये बहुत पुराने फिगर्स हैं, अब अगर की बात करें तो बहुत ज्यादा हो गया। उसके बाद आते हैं प्रोडक्शन के ऊपर कि कैसे कैसे जो है रीसेंट कंट्रीब्यूशन पे बात कर लेते हैं। 40% ऑफ ग्रॉस इंडस्ट्रियल वैल्यू, यानी कि सारी इंडस्ट्री की वैल्यू को 40% यानी 40% हिस्सा किसका बनता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का बनता है। आप देख रहे हो कितना बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं कौन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो अगर इनको ही सरकार प्रमोट ना करती तो ये 40% हिस्सा तो गया था, लेकिन अब यही 40% 7 लाख करोड़ के अराउंड जो है प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो वही चीजें यहाँ पर बता दी गई है। 4.62 मिलियन वर्थ ऑफ गुड्स यहाँ पर बताया गया है, यानी 46 लाख के अराउंड गुड्स जो है प्रोड्यूस करता है कौन, अपना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ग्रोथ कैसे आई, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो मैंने आपको बताई दिया कि किस तरह स्मॉल लेवल पर अगर इंडस्ट्री सेटअप की जाएंगी तो वह एम्प्लॉय जनरेट करेंगे, एम्प्लॉय भी उसमें बताया था, जैसे अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का वाइड स्कोप कर दिया गया था है ना 1 करोड़ तक, और वहां पर भी 2 कैटेगरी कर दी थी कि मशीन का यूज है तो 50 से कम लोग और मशीन का नहीं यूज है तो 100 या 100 से कम। अब वो 50 लोग और वो 100 लोग तो एम्प्लॉय हुए ना इस तरह, और जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो अगर ऐसे 50-50, 100-100 लोग को एम्प्लॉय करने लगेंगे तो इस तरह से काम बन जाएगा। इस पे भी एक मूवी भी आई थी, उसके अंदर वो वरुण धवन था, सुई धागा करके आई गया उसका नाम था, तो अगर वो आपने वो मूवी देखी है तो उसके अंदर भी इस तरह का ही कुछ दिखाया गया था कि किस तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है। तो वही चीजें हैं, आप देखेंगे वो मूवी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या करा है। तो उसके बाद आते हैं एक्सपोर्ट्स के ऊपर कि एक्सपोर्ट कितना है। अब आप देख रहे हो 54,200 करोड़ का एक्सपोर्ट कहां से हुआ है 1972 में, यानी मतलब 1972 में 155 करोड़ का था और वो बढ़कर कितना हो गया 54,000 करोड़ का, सिर्फ 155 करोड़ से बढ़कर कितने का हो गया 54,000 करोड़ का। ये तो बात है 2000 की, अब की बात करें 2021 की यानी कि 21 साल बाद, तो पता नहीं कितना ज्यादा हो गया होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, हाँ बिल्कुल सही बात है, छोटे लेवल से अगर काम करना स्टार्ट करेंगे तो सबके हाथ में कुछ ना कुछ इनकम आती रहेगी, लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, लोग एम्प्लॉय होंगे तो एम्प्लॉयमेंट से इनकम जनरेट कर पाएंगे। रीजनल डिस्पर्सल ऑफ इंडस्ट्रीज, तो रीजन वाइज जो है चीजें डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती हैं। छोटे जैसे अब मान लीजिए रिलायंस है, आप मेरे शहर आपके शहर जरूरी थोड़ी हमारे शहर छोटे छोटे शहर हम ऑपरेट करें, लेकिन हमारे शहरों में कौन ऑपरेट कर सकता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, वो आपको आपके आसपास रीजन के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देती हैं, प्रोडक्ट कमोडिटीज आपको प्रोड्यूस करके देती हैं, तो वो सब काम भी कौन करता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज करती हैं। उसके बाद लेसर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इसकी वजह से जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स भी कम हो सकते हैं। स्मॉल स्केल एंड विलेज इंडस्ट्रीज इन दी 5-year plan, तो 5 साल के जो प्लान्स थे, 5-year plans अपने पढ़े थे हमने पिछले अपने चैप्टर्स के अंदर, तो उसके अंदर स्मॉल स्केल्स को लेकर क्या क्या फंक्शंस थे, क्या क्या फीचर्स या क्या क्या उनके लिए स्कीम्स लाई गई थी, आइए देखते हैं। इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक स्टेप्स टू प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो वो तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद ही हमको ये रियलाइज हो गया कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही हमको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगी।
1947 cottage industry board was set up which was further split into three boards during first 5 year plan all india khadi and village industrial board to ek board tha cottage industry board isko teen bhagon mein aur baant diya gaya kon kon sa all india khadi and village industrial aapne khadi ka naam suna hoga gandhi ji bhi isko promote karte the kafi zyada aur khadi ke jo products hain आप कभी ट्राई कीजिए एकदम एकदम मतलब इतने प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं आप एक बार ट्राई कीजिए अगर आप कभी कनॉट प्लेस पे गए हैं तो वहां पर खादी इंडिया करके बिल्कुल सेंट्रल पार्क से लगते हुए खादी इंडिया का कोने पे कॉर्नर पे एक अच्छा खासा वहां पर शोरूम है वहां पर आप जाएंगे तो आपको खादी के सारे प्रोडक्ट्स जो है बनने मिल जाएंगे इन आपके शहरों में भी खादी से रिलेटेड बहुत सारी इस तरह के इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी तो आप जाइएगा कभी मौका मिले तो खादी के प्रोडक्ट जरूर ट्राई कीजिएगा बहुत मतलब अच्छे प्रोडक्ट्स माने जाते हैं होते हैं माने क्या जाते हैं ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड ये तीन बोर्ड जो है यहाँ पर बनाए गए थे खादी बोर्ड हैंडलूम बोर्ड और हैंडीक्राफ्ट बोर्ड दीज थ्री मोर बोर्ड फॉर सेटअप और तीन बोर्ड सेटअप किए गए थे कौन कौन से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड कोयर बोर्ड एंड सेंट्रल सिल्क बोर्ड तो ये तीन छह जो है बोर्ड सेटअप किए गए थे तीन बोर्ड कौन कौन से खादी वाले हैंडलूम वाले और हैंडीक्राफ्ट वाले फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोर्ड फिर कोयर बोर्ड और सेंट्रल सिल्क बोर्ड तो ये आपके बोर्ड जो है कहा 5 ईयर प्लान के अंदर सेटअप किए गए थे जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकंड प्लान 42 and 187 crores वर अलोकेटेड टू विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तो हमने जैसे बजट वाला आज पढ़ा था ना तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर बताता हूँ कि जो बजट थे रेवेन्यूज थे उसके अंदर से 42 करोड़ और 187 करोड़ जो है किसको अलोकेट किए गए थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए और एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हो गया था 241 करोड़ का और जब ये जो एनुअल प्लान था इसके अंदर 166 769 कौन सा प्लान हो गया ये सेकंड प्लान 51 से 56 फर्स्ट प्लान 57 से लेकर और जो भी अपना बनता है 61 सेकंड प्लान और 66 तो ये थर्ड फोर्थ प्लान जो है वो हो गया आप अपने हिसाब से जो है गिनती कर लीजिएगा तो 132 करोड़ का जो है प्लान था ये 66 से 69 वाले प्लान में इन 1955 प्रोग्राम ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेट वर इनिशिएटेड तो इस तरह से सेकंड प्लान में 60 इंडस्ट्रियल एस्टेट वर सेट अप फॉर प्रोवाइडिंग फैक्ट्री अकोमोडेशन इंडस्ट्रियल एस्टेट्स कौन से होते हैं जैसे आपके अभी ये सोशल इकोनॉमिक जोन्स नहीं होते स्पेशल ऐसे एरियाज जहां पर आप इंडस्ट्री सेटअप करोगे तो आपको कुछ टैक्स बेनिफिट मिल जाएंगे कुछ रिबेट्स मिल जाएंगे कुछ एक्सपेंसिस को लेकर रिफंड्स मिल जाएंगे उस तरह के आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं तो ये सारी चीजें आपको फैक्चुअली दी गई हैं कि एक्सपेंडिचर थर्ड प्लान में 241 करोड़ था जो यहां पे हमने पढ़ा उसके बाद आते हैं सिडबी आया था सिडबी हैड सेट अप अ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड सिडबी क्या था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया पहले आईडीबीआई सेटअप किया गया था आईडीबीआई का एक सब्सिडियरी बनाया गया था आईडीबीआई तो था बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया सिडबी बनाया था स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए तो इसलिए जो है इसका नाम रखा था सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन फंड बनाया था इसके अंदर जिसके अंदर 200 करोड़ का जो है एक कॉर्पस फंड यानी कि एक एक्यूमुलेटेड फंड जो है बनाया गया था कि अगर किसी को जरूरत पड़े रिवाइव करना पड़े तो वो फंड जो है दिया जा सके ये जेड हो सकता है यहाँ पर कुछ और डिजिट हो बट अभी के लिए इसको जो है मान लेते हैं 200 करोड़ फिर इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर आईआईडीसी वगैरह ये सब बनाए गए थे अलग अलग प्लान्स में 1991 के अंदर रिफॉर्म के अंदर न्यू स्मॉल एंटरप्राइज पॉलिसीज फ्रेम की गई थी टाइनी एंटरप्राइजेस को जो है यहाँ पर बताया गया था अंडर दिस पॉलिसी द सीलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द केस ऑफ टाइनी एंटरप्राइजेस वाज रेज्ड टू 5 लाख फ्रॉम 2 लाख तो अगर टाइनी इंडस्ट्री आपको सेटअप करनी है एंटरप्राइज सेटअप करनी है तो लिमिट बढ़ाकर कितनी कर दी थी 5 लाख तो 5 लाख तक अगर आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसको स्टिल टाइनी एंटरप्राइजेस ही कंसिडर किया जाएगा फिर लोकेशनल रिस्ट्रिक्शंस ये सब चीजें जो है हम ऊपर अपने चैप्टर्स के अंदर फ्लो फ्लो में मतलब एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी में ये चीजें समझते हुए आए हैं फाइनेंशियल सपोर्ट दिए गए थे कि भाई कैपिटल मार्जिन अप टू 10 लाख लोन वगैरह ये सिंगल विंडो लोन जिसको 20 लाख तक मिल जाएगा और जिसकी कैपिटल मार्जिन है 10 लाख तक की तो इस तरह से अलग अलग फी जो है बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए थे रिवाइवल के लिए उनकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए उनके रिफॉर्म्स के लिए तो 1991 का तो जहां पर भी जिक्र आता है तो कुछ ऐसी पॉलिसी ही आई होंगी जिससे वो रिवाइव या रिफॉर्म किए गए थे सिडबी जो है कमर्शियल बैंक ये जो है इस तरह से बनाया गया था ताकि सिडबी का क्या काम होता है सिडबी का यही काम होता है कोई सी इंडस्ट्रियल यूनिट है स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट तो उसको जाके रिवाइव करे उसकी हेल्प करे रिफॉर्म करने में फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड गई थी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है जो सिडबी के द्वारा बनाया गया था मार्केटिंग और एक्सपोर्ट करने में तो एनसीआईएस जो है इसमें हेल्प करता है किसकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी अपग्रेडेशन आईआईटीज एंड सेलेक्टेड रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज विल सर्व एज टेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन डेवलपमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कमांड एरियाज अब जैसे मैं आपको सही बताऊं तो आपका ये सोयल रिसर्च का जो काम है वो यहाँ पर आईआईटी दिल्ली वगैरह ये सब करते हैं तो सोयल रिसर्च के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कौन करता है रूरल जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है उसके लिए स्पेसिफिक बट एग्रीकल्चर डेवलप जो डिपार्टमेंट है वो किसकी सहायता लेता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आईआईटी वगैरह की क्योंकि आईआईटी इस फिर ऐसे इक्विपमेंट्स डेवलप करता है ऐसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिससे सोयल की टेस्टिंग की जा सके तो उस तरह की चीजें जो है यहाँ पर की गई एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया गया कि ज्यादा से ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगवाई जा सके ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई वर्कशॉप लगवाए गए उस तरह से तो विलेज इंडस्ट्री स्टेट खादी विलेज इंडस्ट्रीज खादी एंड ये सब जो है चीजें यहाँ पर की गई थी
तो कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी पैकेज फिर ये आया था 2000 में अगस्त 30 के अंदर, रेजिंग द एग्जम्पशन फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी लिमिट फ्रॉम 50 लाख to 1 करोड़ टू इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ स्मॉल्स। तो एक्साइज ड्यूटी की जो वैल्यू थी यानी कि 50 लाख के ऊपर पहले देनी पड़ती थी, अब उसकी लिमिट बढ़ाकर कितनी कर दी 1 करोड़, यानी कि अब 1 करोड़ के नीचे अगर आपका काम चल रहा है तो आपको एक्साइज ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी 12% बढ़ा दी, 12% तक बढ़ा दी गई लोन्स फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, यानी कि अगर आपको कोई मशीनरी या टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है तो उसके ऊपर आपकी कैपिटल के बेसिस के ऊपर आपको 12% तक की सब्सिडी वगैरह मिल जाएगी। कंडक्टिंग ऑफ द थर्ड सेंसस ऑफ स्मॉल स्केल रूरल आफ्टर द गैप ऑफ 12 साल, तो मतलब 12 ईयर के बाद पर एक ऐसा सेंसस किया गया जिसके अंदर गिनती की जा सके कितनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑपरेट कर रही है। ये 10 लाख से 5 जो है 10 लाख बढ़ा दी गई थी इन्वेस्टिंग की, मतलब पहले कितनी थी 2 लाख, 2 लाख से करी 5 लाख, 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी 10 लाख, और यह 10 लाख बाद में बढ़ाकर कितनी कर दी थी 25 लाख। कंटिन्यूएशन ऑफ ऑनगोइंग स्कीम ऑफ ग्रांटिंग 75,000 टू, ये तो आपने पढ़ा था 75% और 75,000 विच एवर इज लेस, तो वो जो है आईएसओ सर्टिफिकेशन से मिल जाएगा आपको, ये अपने ऊपर वाले चैप्टर में हमने कवर किया था। लिमिट ऑफ कंपोजिट लोन 10 लाख से 25 लाख, तो कंपोजिट लोन अगर लेने हैं किसी इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को तो वो 10 लाख से लिमिट बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई थी कि 25 लाख तक आप कंपोजिट लोन्स ले सकते हो। तो ये सारी चीजें जो की गई थी, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना फैमिली इनकम एलिजिबिलिटी हैज बीन रेड टू 40,000 पर एनम टू फ्रॉम 24,000, तो सालाना जो है 24,000 की बजाय अब 40,000 रुपए देने की वो बढ़ा दी गई थी, लिमिट बढ़ा दी गई थी किसके अंदर, प्रधानमंत्री रोजगार योजना में। उसके बाद आते हैं स्कीम टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ कोलेटरल एंड एनकरेज टेक्नोलॉजी, तो क्रेडिट गारंटी फंड जो है उसके अंदर लॉन्च किया गया है, 25 लाख तक लोन लिए जाएंगे। और कोलेटरल क्या होता है, जब भी आप लोन लेने जाते हैं तो आपको कोलेटरल यानी कि एक सिक्योरिटी देनी पड़ती है कि ये लोन जो है अगर मैं पे नहीं कर पाया तो ये सिक्योरिटी जो है पे करेगी, यानी एक चार्ज होता है आपके कोई एसेट। अगर आप होम लोन ले जा रहे हैं तो आपके जो आप होम लोन जो जिस होम के लिए ले रहे हैं, जो होम खरीद रहे हैं उसकी जो प्रॉपर्टी के कागज है वो आपका कोलेटरल बन जाता है कि अगर आप लोन नहीं पे कर पाए तो आपका जो घर है वो ऑक्शन कर दिया जाएगा और ऑक्शन से की रिकवरी, तो उसको बोला जाता है कोलेटरल। तो वहीं पे यहां पर है कैपिटल लिंक जो लोन्स थे, जो कैपिटल को मतलब कैपिटल के बेसिस पे आपको दिए जाते थे वो 12% तक कर दिए थे, तो उस तरह की चीजें यहां पर बता दी है। एनहेंसिंग एक्साइज एक्सेम्पशन लिमिट, तो एक्साइज की लिमिट जो है 50 से 1 करोड़ कर दी थी। क्रेडिट इंप्रूव कर दिया था फिर से 25 लाख की लिमिट बढ़ा दी थी, तो ये चीजें जो है बार-बार बता रहे हैं। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ प्रमोटिंग एसएसआईज, यानी कि कौन सी ऐसे पॉलिसीज, कौन सी ऐसे प्रोग्राम लॉन्च कर रहे थे गवर्नमेंट ने जिससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जा सके। रिजर्वेशन दे दी गई थी भाई कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को रिजर्वेशन दे दो ताकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज उसके अंदर ऑक्यूपाई ना कर पाए, उसको जो है अपने अंडर ना ले सके। तो स्मॉल स्केल तो 350 के अराउंड जो आइटम्स हैं यहाँ पर, फूड एंड बेवरेजेस हो गए, अदर आइटम्स वगैरह ये सब इसके अंदर हो गए थे। तो ये चीजें देखो, पेस्ट्री वगैरह ये सब, तो ये चीजें आप देख रहे हैं ये अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर आ जाती है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सचेंजेस फॉर एंसिलरी डेवलपमेंट अंडर द प्रोग्राम ऑफ एंसिलरी सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सचेंज हैज बीन सेटअप, तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सचेंज क्या होते हैं, इज अ स्टोर हाउस ऑफ डाटा विद रिगार्ड टू द कैपेसिटी ऑफ स्मॉल स्केल यूनिट इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड। तो एक ऐसा डाटा हाउस मतलब एक स्टोर हाउस है, एक डाटा बेस है जिसके अंदर ये सारा जो है डाटा है आपका किससे रिलेटेड कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने कितना प्रोड्यूस किया, तो वो सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। टू रजिस्टर कैपेसिटी ऑफ मैनुफैक्चरिंग एंड सर्विसेज अवेलेबल विद दी स्मॉल स्केल, ऑब्टेन डिटेल ऑफ आइटम रिक्वायर्ड रेगुलरली बाय अदर लार्ज यूनिट विच कैन बी मैनुफैक्चर्ड इन दी स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो एक लिंक जो है वो प्रोवाइड किया गया कि लार्ज स्केल में जो रॉ मटेरियल्स की जरूरत है या कोई ऐसी इनपुट की जरूरत है जो स्मॉल स्केल बना सकते हैं तो उनको उनसे मुहैया कराया गया, बात उनके बीच में एक जो है लिंक बना के उनको आपस के अंदर कनेक्ट किया ताकि उनको कहीं और ढूंढना ना पड़े और स्मॉल स्केल की अपनी सेल परचेज जो है सेल जो है प्रोडक्शन बढ़ सके, तो वो चीजें की गई थी। वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, वेंडर्स को किस तरह, वेंडर कौन होते हैं आपके, सेलर्स होते हैं जिनसे आप जाके सामान ले सकते हो, तो उस तरह से डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए गए। फिर होता है एनसीलराइजेशन एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग वाज स्टार्टेड विद द गवर्नमेंट साइमल्टेनियसली सेटिंग अप एंटरप्राइजेस ऑलमोस्ट, तो इस तरह से ये चीजें जो है की गई थी सब कॉन्ट्रैक्टिंग के थ्रू, एनसीलरेशन के थ्रू। मैनुफैक्चरिंग इक्विपमेंट फॉर डिफेंस रेलवे हैवी इलेक्ट्रिकल, तो ये चीजें कहाँ हैं, ये जो है स्पेसिफाई कर दी गई थी कि ये इंडस्ट्रीज जो है पब्लिक के अंडर रहेंगी, इसके अलावा जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री या पब्लिक सेक्टर इस तरह से क्लासिफाई कर दी गई थी कि ये इंडस्ट्री डिफेंस रेलवे टेलीकम्युनिकेशन हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स ये पहले किसके अंडर आती थी, पब्लिक सेक्टर के अंदर आती थी और इनको जो है क्या कंसिडर किया जाता था, ये जो अपनी HMT थी ये पहले घड़ियां बनाती थी, आपने सुना हो इसका नाम HMT, ये पहले इसी की घड़ी आती थी, टाइटन वाइटन तो बहुत बाद में आए थे, वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। Started subcontracting the stunted and low technology item to small scale which developed the sound ways of ancillarization helped proliferation and development of industries, तो इस तरह से चीजें की गई यानी कि
सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होता है, जब आप एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो है छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, छोटे छोटे लोगों से करवा लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रोड कंस्ट्रक्ट करवाने वाले हैं तो गवर्नमेंट ने मान लीजिए एनएचआई के थ्रू एक हाईवे कंस्ट्रक्ट करवाना है, हाईवे है 100-150 किलोमीटर का। अब 100-150 किलोमीटर का हाईवे एक कॉन्ट्रैक्टर को जो है इशू कर दिया जाएगा कि भाई मान लीजिए डीएलएफ, मान लीजिए एक डीएलएफ एक कॉन्ट्रैक्टर है उसको दे दिया, या शपूर जी पालोन जी है उनको दे दिया, ठीक है। अब शपूर जी पालोन जी या डीएलएफ क्या करेंगे, वो खुद पूरी 150 किलोमीटर की सड़क नहीं बनाएंगे, वो 150 किलोमीटर के एक कॉन्ट्रैक्ट को 30-30 किलोमीटर के 5 कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिवाइड कर देंगे, 5 सब कॉन्ट्रैक्टर से वो काम करवा लेंगे, 5 लोगों को बुला के लाएंगे जो उन्हीं की तरह कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, बस छोटे लेवल के कॉन्ट्रैक्टर होंगे कि 30 किलोमीटर की सड़क तू बना, 30 की तू बना, और फिर जब जो है पांचों जो लोग हैं वो बना देंगे 30-30 किलोमीटर की, तो आपका 150 किलोमीटर का एक हाईवे तैयार हो जाएगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट ऐसे ही आपका कंस्ट्रक्शन में चलता है और टेक्नोलॉजी में भी चलता है। जैसे एप्पल है वो अपनी स्क्रीन जो है, एक तो स्क्रीन टेक्नोलॉजी है जैसे ओलेड है वो किसे लेता है, सैमसंग से लेता है, बट जो उसके ऊपर ग्लास लगता है, एक बार आईफोन 6 के अंदर उसने सैफायर ग्लास का इस्तेमाल किया था, तो वो सैफायर ग्लास को कहां से लिया था, उसने किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लिया था जिससे उसका भी काम चल सके। तो इस तरह की सब कॉन्ट्रैक्टिंग चलती रहती है इन चीजों में। उसके बाद गवर्नमेंट परचेज एंड प्राइस प्रेफरेंस पॉलिसी ग्रांट वगैरह मिल जाती हैं, तो उसके हिसाब से डिवाइड किए गए हैं ग्रुप वन के अंदर, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के इंटरेस्ट के आइटम नहीं है उनको लार्ज स्केल के लिए रिजर्व कर दिया। सिमिलरली ग्रुप टू में आइटम दैट कैन बी परचेज सोलली फ्रॉम लार्ज स्केल बट वेर इट इज पॉसिबल फॉर लार्ज स्केल यूनिट टू जॉब कॉन्ट्रैक्ट एसेसरी कंपोनेंट टू एसएसआई। तो कुछ ऐसी यूनिट है जो लार्ज स्केल में ही है लेकिन फिर भी पॉसिबल है कि एसएसआई में भी वो चीजें कॉन्ट्रैक्ट की जा सकती है, सब कॉन्ट्रैक्ट की जा सकती है। तो ऐसे ऐसे करके सब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह इन्होंने प्रोवाइड करवाए थे। इंसेंटिव्स मिल गए थे भाई, पॉवर्टी टैक्स में एग्जम्पशन मिल गई, एनआरआईज को इंसेंटिव मिल गया, वुमेन्स को इंसेंटिव मिल गया, इनकम टैक्स वगैरह से रिबेट एग्जम्पशंस वगैरह मिल गई, तो इस तरह से लोन्स जो है वो इंटरेस्ट फ्री मिल गए। तो इस तरह की जो है इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए गए थे किनको, एसएसआईज को, ताकि वो ऑपरेट जो है थोड़ा ज्यादा फ्री हैंड से कर सके। उसके बाद सब्सिडीज आ जाते हैं, सब्सिडीज प्रोवाइड की गई, मान लीजिए आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं तो उसके अंदर आपको सब्सिडी प्रोवाइड कर दी गई, या अपने ऑपरेशंस हैं उसके लिए भी आपको सब्सिडीज वगैरह दे दी, आपको जो है लोन है उसके इंटरेस्ट में सब्सिडी दे दी, सब चीजों जो है इस तरह से की गई। एक है ना इंटरेस्ट सब्सिडी, सब्सिडी फॉर पावर जनरेशन, सब्सिडी फॉर आर्टिसंस, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। असिस्टेंस प्रोग्राम, असिस्टेंस प्रोवाइड की गई कंसल्टेंसी उनको, जैसे मान लीजिए मैनेजरियल लेवल की कंसल्टेंसी चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, या किसी और तरह की रॉ मटेरियल सप्लाई के अंदर उनको किसी तरह की असिस्टेंस चाहिए, तो वो सब प्रोवाइड करने की पूरी पूरी कोशिश की गई। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एसएसआई, यानी कि कौन से इंस्टीट्यूट हैं, कौन से ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं या कोई प्रमोशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो एसएसआई की हेल्प करते हैं सस्टेन करने के अंदर कंपटीशन को। तो सबसे पहले सीडो आ जाता है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये एंश्योर करता है कि जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनकी डेवलपमेंट एंश्योर करता है, उनको फाइनेंस वगैरह, उनको उनके जो प्रोडक्शन है उनको मॉनिटर करता है, कोई कमी आती है मशीनरी प्रोवाइड करता है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, रॉ मटेरियल उनको प्रॉपरली देता रहता है। फिर नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन आ गया, सिडबी वगैरह भी आता है, येरा सिडबी, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये रिसर्च कंडक्ट करता है। इस तरह के सारे जो हैं ये इंस्टीट्यूशन जो हैं बनाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर प्रॉपर से फोकस किया जा सके, उनकी डेवलपमेंट को अच्छे से देखा जा सके। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन स्टोरेज, रिट्रीवल सिस्टम, ये सब कहां पे दी गई, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एक्सटेंशन ट्रेनिंग में। उसके बाद इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट के, मतलब अभी ये तो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट थे कि नेशनल लेवल पर कौन कौन से हैं, स्टेट लेवल में कौन से हैं, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो गए, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो गए, तो ये स्टेट पे हैं, सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट पे भी ऐसे काम करते रहते हैं। फिर इनकी मार्केटिंग कैसे होती है, अब आप देखते हैं ट्रेड फेयर लगता है या सूरज कुंड मेला लगता है या इस तरह के और कल्चरल इवेंट्स होते हैं, तो उनके अंदर ये क्या है, ये मार्केटिंग ही है किनकी, इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। आप सूरज कुंड मेला में जाएंगे तो वहां पर आपको देखेंगे कि अलग अलग जो है बहुत सारे वेंडर्स हैं वहां पर, अपना प्रोडक्ट वहां पर जो हाथों से हैंडीक्राफ्ट वगैरह है वो सब वहां पर बेचते हैं। सिमिलरली ट्रेड फेयर में आप पूरे ऑल ओवर इंडिया से इस तरह से स्टॉल लगाए होते हैं अलग अलग राज्यों के, जैसे हरियाणा का है, पंजाब का है, अरुणाचल प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है, तमिलनाडु है, तो ऑल ओवर इंडिया से वहां पर लोग आते हैं, जुड़ते हैं, वहां पर ट्रेड जो है प्रमोट करते हैं। वह किसके द्वारा किया जाता है, ITPO के द्वारा, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसी तरह से बाकी चीजें भी हैं, जैसे आपका बुक फेयर हो गया, ये क्या है, बुक्स को प्रमोट, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, तो इस तरह से प्रमोशनल एक्टिविटीज कंडक्ट करवाई जाती हैं ताकि मार्केट जो है उनका एक्सपेंड किया जा सके। NSI है, ये रजिस्टर्ड जो है ये करता है रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो इन सबको स्टोर्स वगैरह आइडियाज वगैरह देता है कहां पर लोकेशन आपके लिए ठीक रहेगी। सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सचेंजेस, 16 एक्सचेंज ऐसे सेटअप किए गए हैं जहां से आप सब कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हैं, टेंडर वगैरह निकलते हैं वो जाकर आप ले सकते हैं। क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ये 75% का ISO वगैरह, BIS आ गया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो ये सब चीजें आपको अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करने में मदद करती है कि जितना ज्यादा आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज होगा उतने ज्यादा उसके बिकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर MDA आ गया, मार्केटिंग डेवलपमेंट स्कीम, फिर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया, एक्सपोर्ट पैकेजिंग का ऑर्गेनाइजेशन, एग्जीबिशंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ये आपने ये देखो ITPO का नाम आया हुआ, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब क्या करती है, ट्रेड को प्रमोट करती है किनके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के।
एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाए हैं, सिडबी का मार्केटिंग फाइनेंस और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है प्रॉपर, ये MEMFDD का नाम है, मार्केटिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये प्रॉपरली मार्केटिंग के ही, मार्केटिंग कैसे करनी है, मार्केटिंग को फाइनेंस कैसे करना है, प्रमोशन कैसे करनी है, उसके ऊपर डील करता है। फिर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, खादी को प्रमोट करता है। ये सारी चीजें जो है आप देख रहे हैं, ये प्रमोशन और मार्केटिंग के लिए डेवलप की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत पहले पहले। ड्रॉबैक्स और प्रॉब्लम्स किसकी, ड्रॉबैक्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, कि भाई इनको सेटअप तो इनको कर दिया, बट इनके साथ भी जो है बहुत चैलेंजेस आते हैं। एक तो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक है, हर घर में एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आप सेटअप कर सकते हो, वही चीज है। तो इनको प्रॉपरली रेगुलेट करना, एक एक को जाकर रेगुलेट करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अब आप देखिए, 3 लाख यूनिट जो है वो क्लोज डाउन हो गई थी 1988 तक, जो 3 लाख यूनिट है, जो 31% कॉन्स्टिट्यूट, मतलब मान लीजिए 100 इंडस्ट्रीज हैं तो उसके अंदर से 31 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद कर दी गई थी। 2.5% 2.5 लाख इंडस्ट्री जो है, मतलब जितनी भी परसेंटेज अब ये बनती हैं, वो इंडस्ट्रीज जो है क्या नाम है, आउटस्टैंडिंग बैंक सिक थी, ये मतलब सिक थी, इनको जो है लोन ज्यादा था, इनके रेवेन्यूज उतने हो नहीं रहे थे। तो इस तरह की जो है थोड़ी ड्रॉबैक्स हैं, फाइनेंस एंड क्रेडिट को लेकर है, पैसा ही जो है आधी चीजों की जो है परेशानी रहती है, तो वही चीज है, इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहे हैं, अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है तभी तो सब्सिडीज है, कि ऊपर जो हम सब्सिडीज पढ़ के आए हैं, इंटरेस्ट रेट कम पे मिल रहा है, या टैक्स रेट रिबेट्स मिल रहे हैं, और किसी तरह के रिफंड वगैरह मिल रहे हैं, वो किस लिए मिल रहे हैं, इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि ताकि इन चीजों से बचाया जा सके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। वही ड्रॉबैक यहाँ कह रहे हैं, क्रेडिट बड़े महंगे रेट पे मिलता था, सिमिलरली रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी मुश्किल हो जाती थी, वो चीजें यहाँ पर बताई है। प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग कहाँ से, तो मार्केटिंग करने के लिए ऊपर इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई थी ताकि इनको मदद कर सके इनका ट्रेड प्रमोट करने के अंदर। उसके बाद क्या है, प्रोस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या किए जा सकते हैं, कैपिटल इंटेंसिव कम है, कम कैपिटल के साथ आप इसके अंदर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्रमोशन गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट रहता है, रिजर्वेशन रहती है कि कुछ बेकरी वगैरह जो ऊपर आप पढ़ के आए हैं कि जिसके अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही ऑपरेट करती है, प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स बन जाते हैं, फंडिंग फाइनेंस एंड सब्सिडीज मिल जाती है, तो ये सारी चीजें आपको हमने ऊपर कवर कर ली। मशीनरी प्रोक्योर करने में गवर्नमेंट हेल्प करती है, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने में गवर्नमेंट हेल्प करती है, मैन पावर की ट्रेनिंग हो जाती है, ये सारे आप चीजें आप देख रहे हैं, ये हमने पढ़ ली थी। तो ये आपका जो चैप्टर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, वो यहाँ पर होता है पूरा। अगर आपको कोई डाउट आता है इसके अंदर, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या फीडबैक फॉर्म के अंदर पूछ सकते हैं, दोनों चीजें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कमेंट तो फ्रीली अवेलेबल होते हैं। आपको फीडबैक देना है या कोई अपनी तरफ से कोई ऐसे टॉपिक की सजेशन देनी है, कोई और सजेशन देनी है, रिकमेंडेशन देनी है, तो आप फीडबैक फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जो ये पीडीएफ वगैरह है वो टेलीग्राम चैनल पे या गूगल ड्राइव पे कहीं से भी मिल जाएंगे, मैंने सारी चीजों के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी मैंने दे रखा है, तो मेरे से ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए ताकि मैं जान सकूं कि आप किस तरह से अपनी तैयारी करना प्रेफर करते हैं एग्जाम से पहले, ताकि उस चीज को अडेप्ट करा जा सके, आपकी एग्जाम्स में अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाए। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और अपना जो है तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।